हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेक फन। मैं लगाऊंगा आपका मन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि ड्रीम इलेवन कैसी ही टीम में आपके लिए लाता रहता है। और गाइस, आप लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सेफ होली खेले, सिक्योर होली खेले, सबके साथ मिलकर रंगों का इस त्यौहार को अमल बनाएं। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं हम लोग। मैच होने वाला है AL वर्सेस PBCC का, उसमें मैं आपको ड्रीम इलेवन की बहुत ही एक सेफ टीम दूंगा, जिससे आप जाके कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा पॉइंट अर्न कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो की तरफ, जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दें। सो गाइस, चलते हैं ऐसे नोट पैड में, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर चल रही है AL की टीम। टूर्नामेंट में 25 मुकाबले के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है PBCC। मतलब दोनों टीमें देख रहे हैं आप यहाँ पे, पॉइंट्स टेबल के हिसाब से भी देख रहे हैं तो ऊपर चल रही है अभी भी, और AL की टीम ऊपर चल रही है और प्राइम क्लब की टीम नीचे है। और उसके बाद दोनों का बेहद शानदार परफॉर्मेंस रहा है अभी तक। AL ने चारों मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि प्राइम ने चार में से तीन मैच में जीत हासिल की है। मतलब दोनों टीम अभी एकदम अजेय स्थिति में है। AL के लिए अभी भी सीजन एकदम शानदार चल रहा है, जो आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, और उसके हिसाब से विजय अभियान जारी रखने के इरादे से ही मैदान पर उतरेगी। तो AL के खिलाड़ी अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं गाइस। उस हिसाब से अगर देखा जाए, आखिरी मैच मतलब शेखपुरा क्रिकेट क्लब के खिलाफ 5 विकेट से उन्होंने मात दी थी। टीम में वसीम झापर ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी गाइस, तो वसीम झापर को एकदम रख सकते हैं। और नाजिर हुसैन संटो भी बहुत ही बल्लेबाजी में बहुत ही बढ़िया, इनका भी औसतन रहा है। उस हिसाब से गेंदबाजी में हुसैन तो जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए थे पिछले मैच में। अब जीत का लय कायम रखने के लिए चाहेगी प्राइम बैंक की जो टीम है वो भी जीत, मतलब 4 मैच में से 3 मैच अभी तक जीत चुकी है। तो जीत का लक्ष्य जाहिर सी बात है कि ये अपना चाहेगी ही अपना रखने के लिए। सो टीम में अभी तक जीत का लक्ष्य बरकरार रखा। शेख जमाल को धूल चटा दी, आखिरी मुकाबले में ये लोग शेख जमाल से मुकाबला हुआ था तो उसमें भी उन लोगों ने उसकी धूल चटा दी थी। अब टीम के जो कप्तान हैं, टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ठीक है। हक ने शतकीय पारी खेली और बड़े स्कोर की नींव रखते हैं, मतलब शतकीय पारी खेलते हैं प्लस बड़े स्कोर की नींव रखते हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो रही थी गाइज। और जबरदस्त बल्लेबाजी कर, अब टीम न्यूज की तरफ थोड़ा ध्यान दे देते हैं तो विकेट कीपर में मिथुन है, बल्लेबाजी में ये लोग, ऑलराउंडर में एम सरीन है, गेंदबाजी में मुर्तजा हुसैन इस्लाम है, इमामुल हक है। प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब की बात कर ले तो, और रुबा मियाँ हैं, जाकिर हसन हैं, आफाल शेख हैं, मोरिन हुसैन है, AL नाहिदुल्ला। और AL वर्सेस PBCC का जो स्क्वाड है वो इस तरीके से है, प्राइम बैंक का जो स्क्वाड है इस तरीके से है। विकेट कीपर के तौर पर इस मामले में सबसे अच्छे विकल्प होंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार फॉर्म में अभी चल रहे हैं। उस टीम के कप्तान भी है प्लस बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले 2 मैचों में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है, पिछले मैच में तो शतकीय पारी भी खेली थी, यहाँ पर लिखा हुआ है वो चीज़। इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं बल्लेबाजी में आपके लिए ये जो विकल्प है बहुत ही सही है, निजाम हुसैन सांटो शब्बीर रहमान और अभिमन्यु ने भी मतलब पिछले मैच में शतकीय पारी खेली थी, तो इनका भी वसीम झापर भी बल्लेबाजी में अच्छा योगदान दे सकते हैं आपको। और ऑलराउंडर के सेक्शन में अगर बात की जाए तो मदक हुसैन, आलोक कपाली, इस्माबुल हक, गेंदबाजी के सेक्शन में नजाल इस्लाम, मरून शेख, मुर्तजा, रुबल हसन सबसे अच्छे विकल्प हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप एक ब्रीफ टीम का डिटेलिंग तो हो गया। अब इस हिसाब से चलिए हम ड्रीम इलेवन की एक बहुत ही सेफ टीम बनाते हैं और जिसके साथ आप अच्छा खासा पॉइंट अर्न कर सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं ड्रीम इलेवन में, और AL वर्सेस PBCC का जो मैच है इसको खोलते हैं, और उसके बाद फिर गाइस क्रिएट टीम के ऑप्शन पर जाते हैं, और क्रिएट टीम के ऑप्शन पर जाके इस मामले का आपके लिए बहुत ही बेस्ट होंगे। इनके साथ साथ आप वसीम जाफर को ट्राई कर सकते हैं, वसीम जाफर ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। उसके साथ ए इस्लाम को ट्राई कीजिए, इनका भी रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिया। निर्माल हुसैन निर्माल, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। उस हिसाब से आप टीम बना सकते हैं, एकदम ईजी टीम बना सकते हैं। देखिए रुबल मियाँ को ट्राई कीजिए, रुबल मियाँ का भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन हालांकि -1 चले गया है,
लेकिन कोई बात नहीं, रूबल मियाँ का परफॉर्मेंस बहुत सही रहा है, तो रूबल मियाँ को आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चार बल्लेबाजों का ऑलराउंडर में आप इमामुल हक और एन इस्लाम को ट्राई कीजिए, दोनों ही बहुत अच्छे विकल्प आपके लिए साबित हो सकते हैं। पीबीसी के ही सब खिलाड़ी हो चुके हैं, तो एल के बॉलर आप ले सकते हैं, रुबल हुसैन हो गए और मुर्तजा हो गए। मुर्तजा के बाद यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है गाइस। गेंदबाजी में देखिए, मुर्तजा न एन इस्लाम, मुर्तजा और रुबल हुसैन नाम मोरसेक को आप ट्राई कर सकते हैं, और एक और प्लेयर बच रहे हैं, तो आप इन यहाँ पे आप अगर चाहें तो मॉडस इसके साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखिए टीम प्रीव्यू कुछ इस तरीके से है। पीबीसी के मैंने इसलिए नहीं है क्योंकि पीबीसी के खिलाड़ी जो हैं कि बहुत ही सेफ, मतलब अभी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए पीबीसी के ज़्यादा प्लेयर्स लेने का सबसे बड़ा कारण यही है। अब गाइस आप यहाँ पे विकेट कीपर और अगर बात करते हैं, तो आप आर मियाँ को हटा करके, एल वाले आर मियाँ को रख करके, पीबीसी से अगर आप हटाना चाहते हैं, पीबीसी से आर मियाँ को हटा करके आप यहाँ पे एन हुसैन को खिला सकते हैं। एन हुसैन भी बहुत ही अच्छे विकल्प आपके लिए साबित हो सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे टीम प्रीव्यू एक बार आप देख लें, टीम प्रीव्यू कुछ इस तरीके से है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ही लोगों का परफॉर्मेंस रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप कैप्टन बनाना चाहते हैं, तो एक कैप्टन और वाइस कैप्टन एन हुसैन को बना सकते हैं। सो गाइस अगर यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो देखिए ए हक को मैं कैप्टन बना रहा हूँ, और वाइस कैप्टन आप वसीम जाफर को भी बना सकते हैं, वसीम जाफर को भी बनाइए, नहीं अलमुल हक को ही बनाऊंगा वाइस कैप्टन, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस डिसेंट हर मैचों में मतलब कमाल कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टीम को गाइस सेव करना हो, और इस हिसाब से आप एक बार मेरी टीम प्रीव्यू देख लें। ये कुछ मेरी टीम प्रीव्यू है गाइस, टीम प्रीव्यू यहाँ से, ये तो ये है, ये मेरी टीम प्रीव्यू है गाइस। इस तरीके की आप मिलते जुलते टीम बनाएं और बहुत ही अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगर आप टीम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इस टीम के साथ आप किस लीग में जा सकते हैं खेलने के लिए, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। तो देखिए 31 रुपये की जो लीग है उसमें आप जा सकते हैं, 50 रुपये की लीग में जा सकते हैं, और अगर आप ग्रैंड लीग की टीम ढूंढ रहे हैं तो ग्रैंड लीग की टीम में बहुत ज़्यादा पैसा मतलब लग रहा है, तो उस हिसाब से भी अगर आप देखना चाहें तो बहुत ही सही है। और अगर उम्मीद करते हैं आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टेकफोन को सब्सक्राइब कीजिए और टेक्नोलॉजी का मजा लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसी ही ड्रीम इलेवन की टीम और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं, और हैप्पी होली आपको एक बार फिर से गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।